नाते हम लोग मुसलमान भाइयों के साथ ये रमजान के इफ्तार में शामिल होते हैं। हमारा आज का इफ्तार में हमारा MLC फारूक भाई, हमारा तमाम मुसलमान इंडिया यहाँ का लीडर है, हमारा BRS पार्टी के हमारा पूरे गांव से है, सो सरपंचस है, हमारा JPTC है, हमारा सलीम है, हमारा नदीम है, अली है, और हमारा मुसलमान पूरे भाइयों सब्जी ने इकट्ठा करके आज इतना अच्छा खुशी की इफ्तार में शामिल हो गए। सबको मैं रमजान की मुबारक पेश करता हूँ, क्योंकि हर साल में ये तरीका पहले से नहीं था। कई राज्यों में अभी हमारा साहब बोले क्या बोले, कोई हिंदुस्तान में कोई स्टेट के अंदर 28 स्टेट के अंदर किसी में भी कोई पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का कोई भी आज तक ये तरीका ये रिवाज कहीं भी नहीं है। सिर्फ हमारा तेलंगाना आने के बाद हमारा KCR साहब ने, हमारा CM साहब ने ये फैसला किया, मुसलमान हो दो हिंदू हो दो क्रिश्चन हो दो सब में गरीब रहता अमीर रहता सबके लिए ये ईद में हर आदमी भी खुशी से रहना, अच्छा कपड़ा सुलाना और अच्छा खाना खाना, ये तकराम इसी इसका वजह से यहाँ पे भी अपना तेलंगाना में हर जिले में भी ये काम हर जगह पे आज इफ्तार की दावत दे रहे। ये सरकार का पूरा सरकार जिधर भी है सरकार का पैसे लगा के गवर्नमेंट का ऑफिसर आके बैठ के ये इफ्तार में शामिल होके सबको बिठा के गवर्नमेंट का तरीके से जो फंक्शन करते हुए हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है। अपना मुसलमान लोगों के लिए भी आजकल पूरा मंडलों में पूरा अच्छा आसन हो तो बच्चों के लिए और कहीं बाहर जाने के लिए ओवरसीज बैंक में ओवरसीज लोन के लिए ये काम सिर्फ अपना ये लोन वजह से बच्चों के वजह से आसन के वजह से काम हो रहा बोले तो अपना सरकार का तरफ से हो रहा। आज इतना खुशी है हमारा।